मुस्लिम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कैसा कैसा क्या क्या हमला कर रहे हैं मैं विवरण नहीं कर सकती हूँ कि जबलपुर में हो या गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो कि एक घर में अगर मांस पकाया है तो ये गोमांस से चलो इनको मारना, कि पांच लड़कों को मार डाले हैं, कि अलग अलग बहाना बनाकर अभी ये बीजेपी वालों का अलग अलग जो विंग है वो हमला कर रही है, कि उन्होंने डरा रहे है, उनका जो गुस्सा है, उनका जो रिवेंज है वो रिवेंज मुस्लिमों के ऊपर ले रहे है। मगर ये मुस्लिमों का बात नहीं है, ये पूरा हमारे देश का बात है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हम सब लोग एक है। ये जो बीजेपी का साजिश है कि ये साजिश बीजेपी बंद करना, नहीं तो लोग उनको सबक सिखाते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। जिला समिति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तीन मुद्दे हमने रखे हैं लोगों के सामने और डीसी को हम आग्रह कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस सभी के ऊपर एक्शन लेना हम आग्रह कर रहे हैं। एक है नीट एग्जाम रद्द करना, जो अमीरों के लिए इतना अच्छा दरवाजा खुला है और गरीब बच्चों को घर भेजने का या नापास करने का, उन्हें कभी उसमें हासिल नहीं करने का साजिश उसमें है, इसलिए हमने जो गरीबों का विरोधी नीट है ये नीट रद्द करना। और दूसरा, बीजेपी का ये जो पार्टी है वो तो आप सभी को मालूम है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आरएसएस का एक विंग है। उन्होंने इलेक्शन के समय में स्लोगन दिया था अब की बार 400 पार तो हुआ नहीं। हम भी सीपीएम पार्टी उस समय बोले थे इस देश सेकुलर का देश है, इस देश कॉन्स्टिट्यूशन बचा के इस देश को बचाने का हमारे देश का बहुत जिम्मेदारी है, लोग जिम्मेदारी निभाए है। और हम उस समय बोले थे 400 पार नहीं होता है, ये तड़ी पार हो जाते हैं, ये तो तड़ी पार हो गए जैसा ही है कि दूसरे पार्टी का सहारा लेकर सत्ता कर रहे हैं। मगर आरएसएस का जो एजेंडा था 2025 में कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बनाने का, मगर भारत सभी देशवासियों ने इनका जो सपना था उसको उन्होंने पीछे हटाए, कि लोग कहा कि इलेक्शन में साबित हुआ कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हम बचाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहते हैं, कि बीजेपी पार्टी घुसा गया। अब उन्होंने कि मुस्लिम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, कैसा कैसा क्या क्या हमला कर रहे हैं मैं विवरण नहीं कर सकती हूँ, कि जबलपुर में हो या गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, कि एक घर में अगर मांस पकाया है तो ये गोमांस से चलो इनको मारना, और एक मुस्लिम लोग घर परचेस करे तो वहाँ से उनको भगाना, और कई गौ का हत्या हुआ है इसलिए कि पांच लड़कों को मार डाले हैं, कि अलग अलग बहाना बनाकर अभी ये बीजेपी वालों का अलग अलग जो विंग है वो हमला कर रहे हैं, कि उन्होंने डरा रहे हैं, उनका जो गुस्सा है, उनका जो रिवेंज है वो रिवेंज मुस्लिमों के ऊपर ले रहे हैं। मगर ये मुस्लिमों का बात नहीं है, ये पूरा हमारे देश का बात है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हम सब लोग एक है। सीपीएम पार्टी कहते हैं जो सेंट्रल का गवर्नमेंट है कि उनको सजा दो, कौन अल्पसंख्यक के ऊपर मुस्लिमों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये जो बीजेपी का साजिश है कि ये साजिश बीजेपी बंद करना, नहीं तो लोग उनको सबक सिखाते हैं, इसलिए हमने सीपीएम पार्टी मुस्लिमों के ऊपर जो हमला हो रहे है ये रद्द कर कंट्रोल करने के लिए, रद्द करने के लिए और शिक्षा देने के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को आग्रह कर रहे हैं। तीसरा बात है ये 124A एक्ट है कि इसका वैसे तो ये हमारे देश का लोगों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ही कहा है ये एक्ट सही नहीं है, मगर ये 152 के नाम पे और अंदर आ गया है, और जो लोग उनके हक के लिए लड़ते हैं जैसा यूएपीए लागू कर रहे हैं कि वैसा लोगों को पकड़ने में, उनको देशद्रोही इंजाम लगाने में और उन्हें 90 डेज तक, 3 महीना तक उनको अंदर रखने का ये जो अमेंडमेंट लाए हैं, और ये जो क्रिमिनल एक्ट्स है ये एक्ट पूरा रद्द करना, नहीं तो इस देश में जो लड़ते हैं न्याय के लिए उनका लड़ाई खत्म करने का साजिश इसके अंदर है, ये रद्द करो। ये तीन मुद्दा हमने रखे, सीपीएम पार्टी पूरा देश भर हमने प्रोटेस्ट कर रहे और गुलबर्गा जिला में भी हमने आज प्रोटेस्ट करे है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.